नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट कर्मवीर। कर्मवीर के हमारे मेहमान हैं तिरंगा अभियान के प्रणेता रिटायर्ड पुलिस अधिकारी सम्मानित श्री रवि अतरोलिया जी। रवि जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। अभिनंदन है प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट कर्मवीर के भीतर। आपको एक कर्मवीर बतौर देखा जाता है, जिस तरह से आप पुलिस में रहे, एक कर्मवीर योद्धा की तरह काम करते रहे। जब आपने तिरंगा अभियान को अपने हाथों में लिया, तो इस अभियान को भी आपने इस अंदाज में चलाया कि देश दुनिया में अपनी एक अमिट पहचान स्थापित करते चले गए। कैसा लगता है इस अनूठी एकला चलो वाली नीति पर चलते हुए इस तरह नाम को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के बाद में, कितना सार्थक मानते अपना मनुष्य जीवन? सच कहूं कि कोई अनूठा काम मैंने हाथ में नहीं लिया, बल्कि पीढ़ी की जो इस पीढ़ी की ज़रूरत थी कि देश के झंडे के बारे में समझें, देश प्रेम से ओतप्रोत हों, जो मुझे मेरे स्कूल काल में नहीं मिला। बिल्कुल सही। और शायद मेरे उम्र के लोगों को भी नहीं मिला और अभी तक भी नहीं मिल रहा। तो इस कारण से मुझे लगा कि मुझे कुछ ये जानकारी इस पीढ़ी को दूँ, ताकि कुछ तो मैं देश के लिए कुछ तो कर सकूँ। बिल्कुल। तो अनूठा तो कुछ नहीं है, बस ये कह सकता। बिरला कृतित्व तो कहेंगे, अनूठा भले ही ना हो, क्योंकि इस अभियान से आज भी देखा जाता है, जिस तरह से आज हम जब बात कर रहे हैं, तो आज 22 जुलाई का दिन, 22 जुलाई 1947 को कहने गई हमारे झंडे को संविधान ने स्वीकृति प्रदान की है, विशेष महत्व होता है। जिस तरह का आयोजन देश भर में होना चाहिए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को लेकर, उस तरह के आयोजन आज भी नहीं देखे जाते। कितना टीस मन को लगती है? बहुत टीस लगती है मुझे, बहुत टीस लगती है। मैं ये बता दूँ कि जब मैंने तिरंगा अभियान प्रोग्राम को, जब स्कूलों में प्रोग्राम देने जाता था और जब ये बताता था कि 22 जुलाई 1947 को हमने संविधान सभा में इसे अंगीकार किया था, और फिर मैं इस पीढ़ी को देखता था कि वो जन्मदिन, दीगर डे, फ्रेंडशिप डे, तो कहीं ये डे वो डे खूब मनाते थे। बिल्कुल सही। लेकिन झंडे का जन्मदिन तो कोई याद ही नहीं कर रहा था जी। तो फिर मैंने यहाँ की दो स्कूलें थी, एक तो इमरान हाइट्स और एक थी विद्यासागर, इन दोनों के मालिकों से बात की। मैंने कहा अपने यहाँ मनाओ, इन्होंने मेरी बात को मान के वहाँ से शुरुआत की, और उसके बाद फिर मुझे लगा कि अब इसको बढ़ाऊँ धीरे धीरे, लोगों को लगे तो। और फिर मैं सच कहता हूँ मुले साहब कि इस जो शुरुआत मैंने की, तो देश में विभिन्न प्रांतों में ये दिवस युवक और संस्थाएं, इवन दो कि राजनीतिक संस्थाएं, चाहे वो विरोधी हो, सत्ता पक्ष चाहे विरोधी पक्ष की हो, बिल्कुल सभी लोग तिरंगा झंडा के जन्मदिन अपने अंदाजे मनाने लग गए हैं। कोई रैली निकाल रहा है, तो कोई केक काट रहा है, तो कोई आरती कर रहा है, कोई हवन कर रहा है, इस तरह से मतलब चल पड़ा है। तो ये मेरा जो मैं सोचता था, अब वो शुरुआत हो गई है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को लेकर आप कई बारीकियों को काफ़ी करीब से समझते हो, और कई बार आपसे लोग पूछते भी हैं कि आखिर झंडे का सम्मान किस तरह किया जाए, इसे कितना इज्जत के साथ में रखा जाए, कितने अपने दिल के करीब रखा जाए, किस तरह के आप टिप्स देते हैं लोगों को, कितना सुकून मिलता है जब आपको इस तरह प्रश्न आते हैं? मैं फिर ये बता दूँ कि लोगों को मैं इस बात का एहसास कराता हूँ कि तुम और तुम्हारा नाम काफ़ी नहीं है, क्योंकि जब तक झंडा तुम्हारे साथ नहीं है। बिल्कुल। अगर हम देखें कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका, यहाँ के जो लोग हैं उन्हीं से भी सब फ़र्क है, खान पहनावा एक जैसा है, बातचीत एक जैसी वगैरह वगैरह, जैसे भारत में सभी भाषा के लोग हैं। फ़र्ज करें कि अगर ये सारे लोग, सारे देशों के लोग विदेश में कहीं मिल जाएं किसी को, तो वह पता भी नहीं चलेगा कि ये किस देश का नागरिक है। बट अगर रवि अतरोले के सीने पर तिरंगा है या उसके पासपोर्ट पर त्रिमूर्ति है, तो बताने जरूरत है वो, अच्छा आप इंडिया से हैं, मतलब रवि अतरोलिया वहाँ नगण्य हो गया। बिल्कुल सही। आप इंडिया, तो हमारी, जब मेरी पहचान झंडा है जी, तो उसका तो सम्मान होना चाहिए। और इस सम्मान को करने के लिए हमें उस हद तक जाना है जिस हद तक अंग्रेज सर अपने झंडे का सम्मान करते थे। आपको बताना चाहूँगा कि जब वो 22 अगस्त 1600 में भारत में, गुजरात प्रांत में, जब कैप्टन हॉकिंस के साथ उतरे थे व्यापारी बनकर, उनके हाथ में ये झंडा था, और हम भारतीयों ने सोचा कि ठीक है झंडा लेके आए व्यापारी है, हम भूल गए थे कि वो झंडा लेके नहीं आए, उस देश की शक्ति को लेकर आए, और इसलिए तो गुलाम बन गए थे हम। अब हमें एहसास हुआ है कि झंडे की ताकत क्या है और उसका सम्मान क्यों करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो। जनजागरण अभियान की बात की जाए तो बरसों बरस से लगे हुए, कई दशकों से आपको देखा जा रहा है, 2-3 दशक से लगातार हम स्वयं भी देख रहे हैं कि आप लगातार तिरंगे ध्वज को लेकर जनजागृति का कार्य कर रहे हैं। स्कूलों में जाते हैं, छोटे छोटे आयोजनों में जाते हैं, कई बार बड़े आयोजन भी कराते हैं। सबसे बड़ा झंडा तिरंगा फहराने का जो रिकॉर्ड है, वो भी कहने की आपके कांधे पर ही सस्तावादी नज़र आता है। कैसा लगता है, कैसी अनुभूति कही? आप सच कहूँ, जब मैंने 1995 में नवीन जिंदल का
प्रेम झंडे के प्रति देखा था, बिल्कुल सही कहा, और उसके एक कार्यक्रम का संचालन जब मैंने किया तब मुझे खुद अपने आप पे शर्म आ रही थी कि 25 साल की पुलिस की नौकरी हो गई और तिरंगे झंडे के बारे में मुझे इतनी जानकारी जितनी इस व्यक्ति को है जी। तो मुझे लगा कि यार ये जानकारी तो हमारी इस पीढ़ी को मिलना चाहिए। बिल्कुल सही। तो मेरा निशाना थे स्कूली बच्चे और कॉलेज के बच्चे पहला जी। और मैंने उनके लिए पूरी जो पूरे भारत में घूम घूम के सामग्री इकट्ठी की, उसको वेरीफाई भी किया कि कहीं कोई, मैं चूंकि पुलिस वाला उसको बना रहा तो कोई असत्य जानकारी ना चली जाए, भ्रमित वाली जानकारी ना चली जाए। तो इस तरह से वो प्रोग्राम जब मैंने बनाया और बन के तैयार हुआ तो मैं सच को कि आज तो मैं काफ़ी आधुनिक हो गया हूँ। नहीं तो पहले मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जिस ढंग से वो डॉक्टर को दवाइयों के पर्चे को ऐसे फोल्डर पलटा पलटा के बताते थे, नहीं वैसा ही बनाया था, वो रखा मेरे पास अभी। तो उसके माध्यम से मैंने पहला प्रोग्राम जब देश आज़ादी की 50वीं सालगिरह मना रहा था 1997 में जी। और मज़ेदार बात यह कि झंडे का भी 50वां जन्मदिन था जी। तो मैंने उस अवसर पर 22 अगस्त 1997 को पहला प्रोग्राम इंदौर के मातृशक्ति यानी कि सेंट राइफल स्कूल की बच्चियों के लिए दिया। क्या बात है, बस। और वहाँ से अब ये सफ़र जो चला तो प्रदेश भारत के मतलब के सारे प्रदेशों तक पहुँच गया है और बल्कि अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में भी के हिस्से में दो प्रोग्राम वहाँ भी कराया हूँ, भारतीयों ने उसे अप्रिशिएट किया है। और अभी फिर अटलांटा का आमंत्रण मुझे मिला तो मुस्लिम में अगले साल मुझे जाना पड़ सकता है। कहने का मतलब ये है कि लोगों को उत्सुकता थी, पता नहीं था, कोई बताने वाला था नहीं। बिल्कुल। तो जब मैंने उनको ये बताया तो उसके प्रति फिर उनका प्रेम बढ़ना शुरू हुआ। और मैं सच कहता हूँ कि जो मेरा एक लक्ष्य था कि एक जागरूकता फैले, लोग इसको समझें, तो उसका फ़र्क आया है। मसलन कि लोगों ने झंडों को सम्मान करना शुरू किया, सड़क पर कहीं पड़े हुए मिल गए तो उसको सम्मान से उठाना शुरू कर दिया। किसी कार्यक्रम में जैसा कि अक्सर एक फैशन बन गया था कि कोई कल्चर प्रोग्राम हो रहा है और उसमें बीच में जनगणमन हो गया और उसके बाद फिर अगला कार्यक्रम चल रहा है, तो यहाँ छात्रों ने विरोध करना भी शुरू किया। इवन दो कि मध्य प्रदेश के एक मंत्री के सामने ये देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में कि सर ये जनगणमन हो चुका है, कार्यक्रम बंद करिए, क्योंकि नियम ये है कि अगर जनगणमन हो गया है और उसके बाद कोई अगला प्रोग्राम करना है तो पहले सब डिस्पर्स होंगे और फिर रिसेंबल होंगे। तो मतलब एक जागरूकता जो मेरा सोच सपना था वो शुरू हो चुका है। बिल्कुल। किस तरह की बारीकियां होती है राष्ट्रीय ध्वज को लेकर, उसके सम्मान के प्रति कहीं भी कोई ठेस ना पहुंचे, कहीं अपमान ना हो जाए, एक आम नागरिक अगर समझना चाहे तो क्या मोटी मोटी बातों का ध्यान? मैं मोटी मोटी बातों पर आपने बहुत बहुत सही सवाल किया, क्योंकि बाकी तो ठीक है बात विस्तृत हो जाती है, लेकिन राष्ट्र ध्वज तिरंगा अगर हम जब देखें तो एक स्टैंडर्ड फ्लैग क्या है, मानक राष्ट्रध्वज क्या है, ये हर नागरिक को समझ में आना चाहिए। और वो ये है कि हमारा राष्ट्रध्वज आयताकार होगा, 3:2 होगा, 3 ऐसे में होगा, 2 ऐसे में होगा, उसमें 3 समान रंग की पट्टियाँ होंगी, क्रमशः केसरिया, सफ़ेद और हरा, और सफ़ेद रंग की पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र 24 शलाखाओं वाला इतना उसका डायमीटर या व्यास होगा कि सफ़ेद रंग की पट्टी की चौड़ाई के बराबर वो हो और झंडे के दोनों तरफ अंकित हो। Okay. ये तो ये इस बात को पुष्टि कर ले कि हमारा वो चक्र सही है कि नहीं। और मैं इस बात बताना चाहता हूँ कि अपना इंदौर में जो थोक विक्रेता लोग हैं राजवाड़े पर जी। वो लोग झंडे जो बेच रहे थे उसमें चक्र छोटा लगता था जी। हम लोगों ने एक यूथों के साथ जाके गांधीगिरी में उनको फूल देकर निवेदन किया, मैं बहुत उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने सभी ने मुझसे वादा किया कि साहब अब जितने झंडे हमारे यहाँ पड़े हैं छोटे चक्र वाले हम उनको रोक रहे हैं। क्या बात है, बहुत। और जिस कंपनी से बनवाते हैं जिससे उसको मैं हम कह रहे हैं कि भैया हमें चक्र बड़ा करके दो, और इवन दो कि प्लास्टिक के ध्वज के लिए भी उन्होंने कहा कि आपको अब इंदौर में नहीं बिकते हुए देखेंगे। तो इस तरह से प्रयास किया। अब जो एक खास बात मैं दर्शकों को थोड़ा सा, अब 3 रंग के हो गए लेकिन उसके बारे में एक बारीक जो चीज़ है वो समझना अच्छा अभी मौका है, वो ये कि राष्ट्रध्वज तिरंगा खादी से भी बन सकता है, खादी सिल्क से बन सकता है और ऊन से भी बन सकता है। और जब खादी से ये ध्वज बनेगा तो इसका खादी का जो कपड़ा 1 वर्ग मीटर बनेगा जी। वो 250 मिलीग्राम का होगा वजन, मतलब 250 ग्राम कपास से वो बनाया जाएगा। इसमें दूसरी खास बात ये होती है कि इसका कपड़ा जब बनाया जाता है, मानक ध्वज की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सही, तो उसमें उसका जो झंडे का जो कपड़े का जो सूत होता है वो भी हाथ से काटा जाएगा, हाथ से बुना जाएगा, और उन पर रंग होने के बाद जब उनको जोड़ा जाता है तो उनकी जो सिलाई है वो भी उसी धागे से होगी। ये ISI का मार्का उस पर लगता है। और आपको फिर बता दूं कि ये ISI हमारे एक मानक संस्थान बना हुआ है, ये उसका पहला प्रोडक्ट है तिरंगा, और इसका नंबर था ISI 1
1951 और जब दशमलव पद्धति आई तो उस सन बदला है लेकिन आकार वही रहा और उसके कुछ नाम से ऐसे दिए हैं। तो इस तरह से ये झंडा जो बनता है और इस तरह की प्रक्रिया से झंडा उत्तरी कर्नाटक के जिला धारवाड़ का गर्ग नामक गांव है वहां पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इसी प्रक्रिया से आज भी बना रहे हैं और वर्तमान में तो अब उसके 4 संस्थान और हो गए हैं जो इसी प्रक्रिया से बनाते हैं। ISI का उस पर मार्कर लगता है और विशेष रूप से निर्देश सरकार के शासकीय कार्यालयों पर ISI वाला झंडा ही लगेगा। क्या बात है, बहुत सुंदर। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा उसके रंगों को लेकर भी काफी महत्ता बताई जाती है। हाँ। उसका बखान हम आपके मुखारविंद से सुनना चाहेंगे। जी देखिए, मैं वर्तमान में तो लोगों ने अपने मन से रंगों का अर्थ निकालना शुरू कर दिया, बट मैं बताऊंगा आपको संवैधानिक सभा में जो रंगों का अर्थ बताया गया था। केसरिया रंग त्याग और बलिदान के लिए, सफेद रंग सत्य और शांति के लिए, और हरा रंग श्रद्धा और शौर्य के लिए। चक्र जो नीले रंग का है, तो मैंने काफ़ी खोज कर महसूस किया था कि क्योंकि मेरे को एक झंडा में चक्र काले रंग का लगा मिल गया था, तो मैंने कहा यार हमारे लोगों ने नीला ही रंग क्यों चुन लिया। बिल्कुल सही कहा। तो मैंने उसमें जब पता महसूस किया तो उसमें यह था कि जो हमारे जिन्होंने इसको चक्र डाला था इसके अंदर, उनका आशय ये था कि भारत की प्रगति होती रहे, तो चक्र उसका अच्छा सिंबल है। बिल्कुल। और उसमें 24 इलाकाएं, मतलब भारत की 24 घंटे प्रगति हो। ओके। और नीला रंग, और चूंकि भारत के सोच ये था कि अंतहीन इसकी प्रगति भारत की होती रहे, मतलब कोई रुकावट ना आए, तो उसके लिए अब सिंबॉलिक रंग क्या चाहिए। तो जिस तरह से अनंत और नीला विशाल है नीला आकाश, और जिस तरह से अथाह गहरा है नीला सागर, तो दैट्स व्हाई हमने नीले रंग को चक्र में चुना। तो इस तरह से ये ध्वज की महिमा है। और इसमें एक चीज़ और बताना चाहता हूँ अभी लगे हाँ, कि हमें ये 3 रंग दिखते हैं झंडे के, चौथा रंग कुछ लोग कहते हैं नीला मान लेते हैं, बट मैं कहता हूँ कि मुझे उसमें एक विशिष्ट रंग और दिख रहा है, और वो है हमारे क्रांतिकारी शहीदों का खून, पवित्र खून। और वो खून जब उसमें मिला है तो हमारे लिए श्रद्धा का पात्र बनता है झंडा, और फिर इसका कोई अपमान करे तो उसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, सीधी सी बात। बिल्कुल, आपका अंदाज बताता है कि वाकई एक सैनिक को कैसा होना चाहिए, एक पुलिस अफसर को कितने अपने झंडे से प्रेम करना चाहिए, कितनी शिद्दत के साथ में उसे हाइट पर रखना चाहिए। झंडे को लेकर इन दिनों आप प्रचार जब करते हैं, कहीं ना कहीं थिएटर के जो बच्चे हैं, रंगमंच का भी काफ़ी उपयोग किया जा रहा है, कर रहा हूँ मैं, नाटिकाएँ नाटक तैयार किए जा रहे हैं, किस तरह का अभियान आपका आगे बढ़ रहा है? यस यस, बात मेरा तो देखिए कुल मिला के ये है कि जिस विधा से हो, लोगों को जिस अंदाज में समझ में आए उसे वो ग्रहण कर ले। अब आपको फिर बताऊं कि अपने यहाँ जो मूक बधिर विद्यालय चलाते हैं ज्ञानेंद्र पुरोहित, बिल्कुल आप कभी उनसे पूछिएगा कि भारत में पहली बार उन बच्चों के लिए मैंने तिरंगा अभियान झंडे का कार्यक्रम जब दिया और ज्ञानेंद्र पुरोहित ने उनको वो उनकी भाषा में एक्सप्लेन कर रहा था जी। अब जब बात आई जनगण मन की, तो यू वॉन्ट बिलीव कि वो पहली बार भारत में पहली बार उन मूक बधिर बच्चों को ज्ञानेंद्र पुरोहित ने जनगण मन गवा दिया था। तो ये एक इतिहास बना है। तो ये कहना का मतलब ये है कि जागरूकता फैल रही है, ऑफकोर्स धीरे है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और आप जोड़ दूँ कि शायद आप उससे सहमत होंगे, राष्ट्रध्वज तिरंगा हमारे विशिष्ट व्यक्ति के निधन पर और सीमा पर शहीद होने वाले जवानों की सब पेटी पर लपेटा जाता है, और ये सर्वोच्च सम्मान है। बिल्कुल सही। जिसके लिए आप और हम भी तरसते हैं। बिल्कुल, हमें सफेदी कफन मिलता है। बिल्कुल, किस्मत वालों को मिलता है तिरंगा कफन। तो यहाँ पर मैं ये जोड़ना चाहता हूँ इस, आप चूँकि आप चैनल के माध्यम से जा रहा है और दुनिया देखेगी, तो मैं ये बताना चाहता हूँ केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से भी ये अनुरोध है सभी प्रदेशों की, कि जब भी ऐसी कोई बात आती है, कोई शहीद होता है सीमा पर, या कोई हमारा विशिष्ट व्यक्ति जो सम्मान का पात्र है उसके शव पर जब अब तिरंगा लपेटा जाना है, तो चूँकि पुलिस विभाग में सरकारी एक नुमाइंदा रहा हूँ, तो हमारे लिए प्रोटोकॉल मालूम है कि कैसे क्या करना चाहिए। लेकिन हो ये रहा है कि उस वक्त वो प्रोटोकॉल अधिकारी बिल्कुल लापरवाही बरतते हैं, और फ्लैग ऑफ इंडिया में जो सिस्टम दिया है कि केसरिया रंग की पट्टी उसके सिरहाने सबकी तरफ सिरहाने तरफ होगी, सफ़ेद रंग की पट्टी चक्र के साथ पेट पर होगी, और हरे रंग की पट्टी होगी जांघों तरफ। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। हो ये रहा है कि सफ़ेद रंग की पट्टी सर से लेकर पैर तक और केसरी हरे रंग की दाएं बाएं। जिसको सम्मान दिया जा रहा है गलत प्रक्रिया से उसे सम्मान नहीं मिला, उल्टा झंडे का अपमान हो रहा है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें आप ऐसे अवसरों पर प्रोटोकॉल अधिकारी को कहें कि एक बार जरा तू सिस्टम तो पढ़ ले। बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं ऐसे मामलों में मैं तो ये समझता हूँ, कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन के सिस्टम में ही ऐसे लेसन पढ़ाए जाने चाहिए कि हर व्यक्ति को क्यों पुलिस के अफसर झंडे
को समझे, प्रोटोकॉल को समझे, एक आम व्यक्ति हमारा जो एक भारतीय वो भी इस बात को अच्छे समझे कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है किस तरह उड़ाया जाए, किस तरह फहराया जाए। रवि जी, वाकई आपसे बातचीत करने का बड़ा एक आनंद है। आपने जो सवाल अभी किया है ना सिलेबस वाली बात, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सारे भारत के लोग भी सुन लीजिए। मेरी इच्छा थी, मध्य प्रदेश शासन के शिक्षा विभाग के लिए मैंने प्रयास भी किया था, क्या बात है, मगर वो प्रयास कहाँ पड़ा है मुझे नहीं पता। मगर अभी इस कोरोना काल में जब मैं ऑनलाइन तिरंगे का प्रोग्राम करने लग गया, तो आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं, उन्होंने मेरा ऑनलाइन जब प्रोग्राम कराया और उनके सारे अधिकारी, बल्कि यूपी के एनएसएस के पूरे प्रदेश के अधिकारी जुड़े हुए थे जी। प्रोग्राम के बाद उन्होंने मुझसे ये वादा लिया कि वो एक सिलेबस, मेरे को कहा कि मैं सिलेबस बना के दूँ यूनिवर्सिटी लेवल का, और मैं उनको सबमिट करूं, और वो अपने कल, चूंकि वाइस चांसलर को दिन सर्वा तो बोले हम अपने यहां पर उसको लागू तो कर ही देंगे अपने जितने हमारे साथ जुड़े हुए महाविद्यालय हैं। तो ये मेरा काम अभी प्रगति पर है, आधा हमने कर लिया, चूंकि वो उस लिहाज से बनाना है। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि भारत में भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरे ने ये पहल कर दी है और इसका अनुसरण कुछ और भी करेंगे। मेरी सेवाएं जो भी प्रदेश लेना चाहेगा निशुल्क देने को मैं तैयार हूँ। बिल्कुल रवि जी, आपसे चर्चाएं तो खूब की जा सकती है, क्योंकि आपके अलग अलग रंग है जिस तरह से तिरंगे के, लेकिन समय की मर्यादा है। आप कर्मवीर बतौर अपना कार्य कर रहे हैं, पहले पुलिस में काम कर चुके हैं, पुलिस के साथ साथ तिरंगा अभियान को आपने देश दुनिया में पहुँचाया है। तिरंगे को लेकर कहने के जितना तिरंगा इंदौर में पहचाना जाता है, उतना ही नाम रवि अतरोलिया जी का ही पहचाना जाता है। आपने प्राइम टॉक से चर्चा की, कर्मवीर बतौर चर्चा की, आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को, मेरा नमस्कार।